करो का नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। दो दिन पहले केंद्र सरकार और सेना की तरफ से जो फैसला लिया गया है सेनाओं में भर्ती का शॉर्ट टर्म स्कीम, उसको लेकर के अब पूरे देश में जो युवा है, जो छात्र है, जो सेना में जाने की तैयारी कर रहा था, वो बहुत नाराज है। और इतना नाराज है कि आज उसने अपनी नाराजगी दिखाते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। एक जगह ऐसा भी है, एक वक्त ऐसा भी आया जब ये प्रदर्शन काफी उग्र हो गया, कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गईं, कई जगहों पर पुलिस वालों पर हमले किए गए और रोहतक में एक युवा ने आत्महत्या तक कर ली। ये पूरा जो मामला है, ये केंद्र सरकार और सेना की तरफ से मिला जुला फैसला जो कुछ दिनों पहले लिया गया है, जिसमें सेना में शॉर्ट टर्म स्कीम के जरिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा, जिसमें वो 4 साल तक अपनी सेवा दे पाएंगे। इस 4 साल में पहले 6 महीने जो होंगे वो ट्रेनिंग के होंगे और उसके बाद 3.5 साल वो अपनी नौकरी करेंगे और उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। इसके एवज में उन्हें जो महीने की तनख्वाह है वो दी जाएगी और तनख्वाह के साथ साथ जब वो रिटायर होंगे तो उनके पास एक मुश्त रकम करीब 11 लाख रुपए की भी दी जाएगी। इस तरह के कई सारे वायदे और कई सारी जो स्कीम जो है इस शॉर्ट टर्म जॉब स्कीम के जरिए सरकार की तरफ से बनाई गई है और कहा जा रहा है कि आने वाले 90 दिनों में अब इस प्रक्रिया के तहत युवाओं को सेना में भर्ती का मौका दिया जाएगा। और कुल मिलाकर इस प्रारूप को इसलिए तैयार किया गया है कि हम अपनी सेना को और भी चुस्त दुरुस्त मानसिक और शारीरिक रूप से करना चाहते हैं और इसी वजह से हर 4 साल पर एक नई रैली के जरिए नए युवाओं को भर्ती किया जाएगा जिनकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच की होगी। ये 24 साल से 26 साल के बीच में रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद अपना कुछ और काम भी कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं या फिर अन्य जो सिविल सर्विसेज हैं या फिर जो स्टेट बॉडीज की जो अलग अलग भर्तियां हैं उसमें भी वो अपना जो किस्मत अपनी जो किस्मत है उसे आजमा सकते हैं और वहां नौकरी कर सकते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी है, एक लंबे समय से तैयारी कर रहा है, उसके मन में कई सारे सवाल इस नई स्कीम को लेकर के है। अग्निवीर, अग्निपथ, ये क्या है, इसको लेकर के आज कई जो प्रदेश है देश के वहां पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, इन जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला। और इसके अलावा रोहतक में एक अभ्यर्थी ने जो पिछले 2 साल से आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था, उसने परीक्षा भी दी थी लेकिन उसका नतीजा अब नहीं आना क्योंकि अब आगे की जितनी भी भर्तियां होनी है वो इस 4 साल के प्रारूप के जरिए ही होंगी, अग्निवीर के तहत, अग्निपथ के तहत ही होंगी। इसी से नाराज होकर के उसने आत्महत्या भी कर ली है। तो अब लगातार कई सारे जो सवाल हैं वो युवाओं की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस तरह की स्कीम सरकार क्यों लेकर के आई है। जिन युवाओं ने लंबे समय से तैयारी की थी आर्मी में जाकर के देश की सेवा करने के लिए, वो ये पूछ रहे हैं कि 4 साल बाद जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। सरकार की तरफ से कई सारी चीजें जो हैं वो बनाई गई हैं इस नए प्रारूप में। ये कहा गया है कि उन्हें जब वो नौकरी ज्वाइन करेंगे तो उनको 30,000 रुपया महीना जो तनख्वाह है वो दी जाएगी और उनका जो 30,000 रुपया में से जो अग्निवीर कॉर्पस फंड एक बनाया जाएगा उसमें उनके 30,000 में से 9,000 रुपए हर महीने कटेंगे। वो 9,000 के साथ साथ सरकार की तरफ से 9,000 रुपए भी उसमें जोड़े जाएंगे जिसकी कुल संख्या 4 साल बाद 11,77,000 रुपए हो जाती है, वो उनको रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी। सेना के अधिकारियों की तरफ से और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब वो अभ्यर्थी या फिर जब वो सैनिक रिटायर हो जाएगा 4 साल के बाद तो वो इस 11 लाख की रकम से अपना कोई नया बिजनेस शुरू कर सकता है, नया कारोबार शुरू कर सकता है, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है या फिर अन्य चीजों के लिए वो किसी भी तरह से बाध्य नहीं होगा, वो कुछ भी करना चाहे कर सकता है। लेकिन युवा काफी परेशान है, युवा सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस तरह का फैसला सरकार की तरफ से क्यों लिया गया। हम एक लंबे समय तक देश की सेवा करना चाह रहे थे लेकिन सरकार की तरफ से इस फैसले को लेने के बाद कहीं ना कहीं युवाओं ने काफी नाराजगी जो है वो जताई है। आर्मी की तरफ से जो चीज कही जा रही है, सेनाओं की तरफ से जो चीज कही जा रही है वो ये है कि 2030 तक सेना चाहती है कि जो उनकी एवरेज जो एज थी अब तक 32 साल की वो घट करके 24 से 26 साल तक की हो जाए। मतलब कुल मिलाकर एक बेहतर मानसिकता, चुस्त दुरुस्त जवान
कि एक जो संख्या है वो आर्मी में बनी रहे और इसी वजह से इस एवरेज आयु सीमा को घटाने की घटाने का ये जो प्रयास है वो इस अग्निवीर या अग्नि पथ स्कीम के जरिए किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि अनुभवी अधिकारियों के मुकाबले एक ऐसे वर्ग को जगह दी जाएगी जो युवा होगा, जिनका दिमाग ज्यादा चुस्त दुरुस्त होगा और इनका अनुपात 1.1 करके उन अधिकारियों के मुकाबले एक नई जो युवाओं की श्रेणी है उसे खड़ा किया जाएगा, ताकि जो सेनाएं हैं वो और भी बलशाली और भी चुस्त दुरुस्त दिमाग से हो सके, शरीर से हो सके, और जो सेनाओं का काम है वो और बेहतर तरीके से हो सकेगा अगर युवाओं की शक्ति उसमें बराबर की रहेगी अधिकारियों के मुकाबले, और वो भी वो युवा जो कम उम्र में भर्ती हुआ है और उसको ये पता है कि 4 साल में उसे कुछ बेहतर करना है। क्यों? क्योंकि सेनाओं की तरफ से इस बात को भी कहा गया है कि आने वाले 4 साल के बाद 100 में से 25 यानी 25% उन सैनिकों को आगे का मौका भी दिया जाएगा, आगे की सेवाएं देने का करने का भी मौका दिया जाएगा। हालांकि उसके लिए भी एक परीक्षा एक प्रावधान बनाया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि इन्हीं में से हम 25% युवाओं को सेलेक्ट करके आगे सेवा करने का मौका भी देंगे। कई सारी जो सवाल हैं वो युवाओं के मन में इस वक्त चल रहे हैं और उन युवाओं को ये सवाल के जवाब कैसे मिलेंगे ये सरकार को जानना और समझना जरूरी है। बताया ये जा रहा है कि जो आर्मी का अब तक का जो बजट आता है उस बजट पर भी काफ़ी फायदा इस स्कीम के जरिए पहुंचने वाला है, क्योंकि पेंशन और सैलरी का एक जो बड़ा बोझ है वो उस बजट से कम होगा और इसी वजह से इस योजना को शुरू किया जा रहा है, इस स्कीम को शुरू किया जा रहा है। इंडियन आर्मी चौथी सबसे ताकतवर आर्मी है पूरे दुनिया में और उसे और चुस्त दुरुस्त और बेहतर करने का प्रयास इस स्कीम के जरिए करने की कोशिश जो है वो सरकार और हमारे सैन्य बलों की तरफ से किया जा रहा है और इसी वजह से इस अग्निपथ अग्निवीर स्कीम को शुरू किया है। लेकिन अब युवाओं के जो सवाल है उन सवालों के जवाब सरकार और सैन्य बलों के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो अधिकारी हैं, उनको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि युवाओं के मन में अगर कोई भ्रम है तो उन भ्रमों को कैसे खत्म किया जाए, युवा क्यों नाराज है, क्यों उसने जगह जगह पर आज प्रदर्शन किया, इस प्रदर्शन के बाद युवा आगे क्या रणनीति बनाएगा और उसे समझाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, आज हम इस डिबेट के जरिए चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम कितनी लाभदायक कितनी फायदेमंद है। आप कुछ बयान सुनिए, उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। ड्यूटी लागू हुआ है, डिमांड है सरकार से, जो टूर ऑफ ड्यूटी लागू हुआ है, मान लीजिए 4 साल लड़का जाएगा ड्यूटी करने के लिए, 4 साल के बाद आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर आकर आतंकवादी ना बनेगा, मान लीजिए वहाँ से तो पूरा ट्रेन उगड़ आएगा, यहाँ पर आएगा तो पुलिस से भी ना पकड़ाएगा, पुलिस जो आर्मी का ट्रेनिंग लेकर आएगा यहाँ पर पुलिस से पकड़ाएगा। आपके कहने का मतलब है कि अपराधी बनाने की तरफ युवाओं को ढकेला जा रहा है? हाँ, अपराधी नक्सली बनाने की तरफ युवाओं को ढकेला जा रहा है। एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए, हम लोग का 1.5 साल से पेंडिंग चल रहा है, कोरोना काल का बता के बार बार कैंसिल किया जा रहा है, बार बार कैंसिल किया जा रहा है, और ये बताना चाहते हैं कि ये अफसरों पर क्यों नहीं लागू है टीओडी, केवल जवानों के साथ नाइंसाफ क्यों किया जा रहा है, किसानों के साथ नाइंसाफ क्यों किया जा रहा है? टीओडी लागू हुआ है तो पूरे अफसरों पर भी लगाओ, टीओडी अफसरों पर भी लगाओ, केवल जवानों पर क्यों लगाया जा रहा है? हमारा 2 साल से पेंडिंग चल रहा है और बार बार एडमिट कार्ड कैंसिल किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि कोरोना है, आज बताया जा रहा है कि एग्जाम ये हो गया वो हो गया, उसके बाद कोई लग रहा है कि रक्षा मंत्री जी हमारे राजनाथ जी हैं जो कुछ भी आदेश नहीं कर रहे हैं, कुछ भी स्पष्ट शब्दों में बयान नहीं कर रहे हैं। बलों में भर्तियां तो शुरू हो रही है, 90 दिन के बाद ये भर्तियां जो है वो शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसके पहले इतना जो असमंजस है इस नई योजना अग्निवीर अग्निपथ को लेकर के ये युवाओं के मन में बनी हुई है, इससे जो जुड़े हुए सवाल हैं इन सवालों के जवाब सरकार को रक्षा मंत्रालय को देना बहुत जरूरी है, ताकि युवाओं के मन में अगर कोई भ्रम है तो वो भ्रम खत्म हो सके। लेकिन साफ तौर पर युवा काफी नाराज है और युवा नाराज इसीलिए है क्योंकि उसका यह कहना है कि हम एक लंबे समय से सेना में जाने के लिए एक रेगुलर नौकरी के लिए प्रयासरत थे, पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे और उसके बाद जब इस तरह का फैसला लिया गया है तो कहीं ना कहीं हमारा जो भविष्य है वो भविष्य अब अधर में पड़ चुका है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे आपसे थोड़ी देर में, हमसे जो हमारे जो मेहमान है वो सभी जुड़ जाएंगे और उसके बाद मैं इस चर्चा को शुरू करूंगा। लेकिन सवाल कई सारे हैं कि हमारी जो देश की
आर्मी है वो इस वक्त करीब 14.5 लाख एक्टिव सैनिकों के साथ दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे मजबूत आर्मी है। हमसे ऊपर चाइना और हमसे नीचे अमेरिका है। चलिए इस विषय पर हम थोड़ी देर में चलिए हमारे मेहमान जो है वो सभी जुड़ गए, उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हमारे साथ आरपी सिंह साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, रविंद्र सिंह पटेल हमारे साथ रालोद से जुड़े हुए हैं, विनोद सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे साथ शांतनु यादव हैं जो आज के प्रोटेस्ट में शामिल थे और इन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया इसको लेकर के भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी मेहमानों को आज के डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि लगातार जो युवा है वो काफी नाराज इस पूरे मसले को लेकर के हैं कि आखिर ये शॉर्ट टर्म स्कीम जो अलग अलग सेनाओं में शुरू की जा रही है नौकरी को लेकर के, ये क्या है, इससे कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि युवाओं के मन में तो सिर्फ एक ही सवाल है कि ये उनके नुकसान के लिए है, लेकिन इससे आर्मी को, देश को कितना फायदा पहुंचेगा, युवाओं को कितना फायदा पहुंचेगा, इसके बारे में जरा ब्रीफ करके बता दीजिए। जी देखिए, ऐसा है कि जो अग्निपथ और अग्निवीर के लिए जो सेवाएं चालू की जा रही हैं, वो बेसिकली एक तरह से एक जवान को फौज में लाने से पहले 4 साल की सेवाएं दी जा रही हैं, जो कि फेजेस में होंगी और धीरे धीरे चल करके पूरी सेना में केवल 25% ही सिपाही या ऑफिसर्स लोग रहेंगे और 75% ये अग्निवीर रहेंगे। ये आज से अगर शुरू होगी ये तकरीबन अगले 20 साल के अंदर जा करके पूरी फौज में ये जा करके स्ट्रेंथ जो है करीब 50-50% होने की उम्मीद है। ये जैसा आपने कहा, ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है कि राष्ट्र के, देश के चारों तरफ से भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही थी, कुछ ही इलाकों से ही भर्तियां हो रही थी, नॉर्थ इंडिया से हो रही थी, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां से ही कुछ लोगों को लिया जा पा रहा था, और ये स्कीम जो है ऑल इंडिया बेसिस पे जाएगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, हर एक परगना में जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है। दूसरी बात ये एक तरह से सभी युवाओं के अंदर एक तरह से भावना प्रदान की जाएगी कि भाई आपको राष्ट्र के अंदर सीखना है, आपको 17.5 साल की उम्र से लेके 21 साल के अंदर भर्ती होना है और अगले 4 साल तक आपको नौकरी करना है। जब नौकरी से हटेंगे करीब 10-11 लाख रुपए आपको पैसे मिलेंगे और अगर आप सेना में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप 4th साल में फिर से अप्लाई करिए और अगर फौज में आ जाते हैं तो उसमें से 1/4 लिए जाएंगे। रही बात यह कि जैसे ही आप निकलते हैं तो आपको हो सकता है अगर आप हाई स्कूल हैं तो इंटरमीडिएट की डिग्री भी मिल जाएगी और आप फौज के अंदर के अलावा पुलिस के अंदर, प्रांत के अंदर, ऑपरेटिव सेक्टर के अंदर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन पढ़ाई है उसके हिसाब से ली जाएगी। ठीक है सर। दिक्कतें इसमें बहुत हैं क्योंकि ये प्रोग्राम पूरा नया है, तरह तरह के चेंजेज हैं, ट्रेनिंग पीरियड को घटाया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जा रहा है और इसमें सबसे अच्छी चीज जो आ रही है इसमें से केवल यंग जो लड़के उनको तो लिया ही जाएगा लेकिन जो क्वालिफाइड है, पहले से ही क्वालिफाइड है, जैसे आईटीआई के क्वालिफाइड लड़के हैं या आपके ड्राइविंग के क्वालिफाइड हैं या पहले से इंटेलेक्चुअल कंप्यूटर क्वालिफाइड हैं, उनके लिए भी रास्ते खुल जाएंगे जिससे कि उनको ट्रेनिंग कम से कम दी जाए। इससे क्या होगा कि पूरे देश के अंदर एक तरह से वॉलंटियर फोर्स होगी हर एक सेक्टर के अंदर। अभी जैसे कि कुछ राज्य अभी से कहते हैं हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी कि हमको उनको प्राथमिकता देंगे, जैसे यूपी ने अभी अनाउंस कर दिया है, उत्तराखंड ने कर दिया है और भी प्रोविंसेस हैं जहां पे कि ऑलरेडी पहले से वैकेंसीज हैं एक सर्विसमैन के लिए, रेलवेज में है, आपके क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉइज में है जो कि 60 साल तक 60 साल तक हो सकते हैं ऑलरेडी। इसके ऊपर जहां तक मैं सोचता होम मिनिस्ट्री इस पे काम कर रही है, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं हो सकता है कि इनको उसमें अब्सॉर्ब कर लिया जाए और इनकी उम्र जो है 60 साल तक चली जाए, जो कि अभी फौज के अंदर केवल 35-40 साल पे इनको रिटायर होना पड़ा। ठीक सर। एक अभी मैं एक बच्चे से सुन रहा था कि वो अफसरों पे नहीं लागू हो रहा, अफसरों से पहले ही लागू है। अगर आपको यकीन होगा तो एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है जिसमें 50% ऑफिसर जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं जो कि इसमें आते हैं और ये जो चेंजेज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, आज का नहीं है ये, जब से ब्रिटिश पीरियड से अगर आप देखेंगे
तो ब्रिटिश पीरियड में भी यही चीजें हुई, धीरे धीरे रेजिमेंटेशन आया, धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुरंत के लिए सेनाओं को लिया गया, जो भी आपके यहाँ पे राजघराने थे उनके सैनिकों को देश में जब रेजिमेंटेशन आया, जब आजाद हुआ तब लिया गया। उसके बाद से अगर आपको यकीन हो, जब मैं फौज में था, एक कमीशन हुआ था, उस समय केवल कलर सर्विस 7 साल की होती थी जवान की, पेंशन नहीं मिलता था। 1975 में इसको बढ़ा करके 15 साल किया गया, 8 साल बढ़ाया गया था, और उसको 15 साल करने के बाद उनको पेंशन दी गई थी, जो आज अभी जवान जो है 15 साल सर्विस करके घर जा सकता है और उसके बाद से दूसरा काम कर सकता है। इसमें यही फैसिलिटी दी जा रही है कि 23-24 साल की उम्र में अगर वो घर जाता है तो उसको और भी एवेन्यूज खुले मिल जाएंगे, जिसमें वो जाकर के एक तरह से डिसिप्लिन, एक तरह से पढ़ा लिखा, एक तरह से फौजी, एक तरह से पुराना फौजी बन करके वो आगे की अपनी जिंदगी जी सकता है। सर कुछ युवाओं का और ध्यान देने वाली है, मैं ये कह रहा था, कुछ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जरूर, इसको एक्स सर्विस मैन का स्टेटस नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी, हाँ पूछिए क्या। और कुछ फैसिलिटीज भी जो होती हैं एक सर्विस मैन को या सर्विस मैन को मिलती हैं आर्मी के या फिर दूसरी सेनाओं के, वो भी शायद नहीं मिलेंगी, और उसके भी काफी नाराजगी है, और कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि इससे हमारा भविष्य अधर में हो जाएगा, क्या ऐसा भी है? नहीं नहीं, भविष्य तो अभी अधर में जरूर है, क्योंकि अभी जो भी अनाउंस हुआ है, बाकी मिनिस्ट्री ने कुछ अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अधर में नहीं होगा। इससे जो है एक तरह से वेटेज मिलेगा। अगर आपको यकीन है, इमरजेंसी कमीशन के लोगों को हम लोग जो पढ़ते थे तो उस समय केवल कंपल्सरी पेपर दे करके आईएएस ऑफिसर बन गए थे। कई आईएएस ऑफिसर जो है, पीसीएस ऑफिसर जो यूपी के अंदर देखेंगे आप, हर जगह ऑल इंडिया पे देखेंगे, जो एक सर्विस मैन थे कंपटीशन में शामिल हुए और उनको एक या दो पेपर देने के बाद एग्जामिनेशन के अंदर पास हुए और वो देश की सेवा में किसी और फील्ड में गए हैं। इसी तरह से आप, अगर आपको यकीन नहीं होगा, रिलायंस जो इतनी बड़ी कंपनी है, एनसीसी के सी सर्टिफिकेट को प्रायोरिटी देती है। इस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, इन लोगों को बिल्कुल जैसे निकलेंगे नहीं बल्कि इनको उठाएंगे। बल्कि मुझे तो अब डर लग रहा है, लेट मी टेल यू कि ये अगर 75% अगर देश फौज से निकल जाएंगे, क्या वो 25% इतने सुदृढ़ होंगे जो सेना को उठा पाएंगे? ये बल्कि मेरे को ये डर लग रहा है, ये 2575 जो अच्छे लोग होंगे सेना के, वो तो जाकर के सिविल सेक्टर में चले जाएंगे और या पुलिस सेक्टर में चले जाएंगे। तो क्या या 25% जो बचेंगे, क्या वो फौज को पूरा संभाल पाएंगे? ये मेरा क्वेश्चन बन रहा है आज की डेट में। वो बाकी तो होम मिनिस्ट्री, अगर दूसरी बात है, जिसको डर है, मैं तो ये चाहता हूं राजनाथ सिंह को एश्योरेंस लेना चाहिए, बल्कि राइटिंग में डालना चाहिए केंद्रीय सरकार को कि जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के ट्रेनिंग सेंटर है उनको बंद कर दिया जाएगा और आर्मी के जो भी लड़के निकलेंगे सीधे डायरेक्टली पैरामिलिट्री फोर्सेस में चले जाएंगे। बिल्कुल। और उनके जो भी सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, जो भी सीआईएफ के, जो भी आपके आईटीबीपी के जो ट्रेनिंग सेंटर है, क्लोज डाउन हो जाएंगे, जिससे कि आर्थिक मदद मिलेगी। दूसरी चीज, जो स्कीम अगर ये आई है, क्या ये स्कीम एमएलए एमपी के लिए लागू होगी? 5 साल तो वो भी रहते हैं, तो 5 साल के लिए उनको भी दिया जाए, 30% उनका रख लिया जाए, 3% उनको सरकार दे और उसके बाद से ग्रेच्युटी दे करके थैंक यू वेरी मच किया जाए। क्योंकि एक एमएलए आज 5 लाख रुपए पेंशन पा रहा है, एक आर्थिक उसके ऊपर, उस देश के ऊपर इतना बड़ा आर्थिक बोझ है, क्या इसको सरकार सोच रही है? तो सोचने की बात है। ठीक है, जैसे अगर स्कीम ऐसे आ रहे हैं तो हो सकता है और जगह पे भी ये स्कीम आए। ठीक है, ठीक सर, मैं आता हूँ आपके पास। शांतनु यादव हमारे साथ छात्र हैं, आज इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था। शांतनु साहब, आरपी सिंह साहब ने काफ़ी अहम चीज़ें बताई, इस नई स्कीम के बारे में भी बताया, उससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये भी बताया। आप लोगों ने क्यों प्रोटेस्ट किया, क्या कारण रहा आप लोगों का? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया उसमें, जैसे मान लीजिए 17 साल में आप, 17 से 21 के बीच में आप युवाओं को सेना में ले रहे हैं और उसके बाद जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे, आप ये बताइए कि किस सेक्टर में आप उनको रखेंगे? नहीं तो ये तो बोलिए, तो अभी आरपी सिंह साहब ने भी बताया और प्रदेश की सरकार ने भी आज इसका ऐलान किया है कि भाई मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने वरीयता दी है,
गारंटी नहीं दी नौकरी की कि हम रोजगार देंगे, वरीयता दी है उसने। अभी योगी जी ने कहा कि हम वरीयता देंगे, तो राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार वरीयता देने की बात कर रही है, गारंटी की बात नहीं कर रही है। और देश के अंदर कितने युवा बेरोजगार हैं, और नेशनल खेल करके, स्टेट खेल करके, उसके बाद भी छात्र अपना सर्टिफिकेट लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि 4 साल बाद निकलने बाद उनको रोजगार मिल जाएगा? मेरा ये सवाल है, इसीलिए हम लोग आज प्रोटेस्ट पे थे। ठीक है शाही साहब, आज काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिला है युवाओं का इस नई स्कीम को लेकर के, शॉर्ट टर्म स्कीम जो बनाई गई है सेनाओं के लिए। इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए कई सारे सवाल जो हैं वो युवाओं के मन में थे, आपने भी उन युवाओं को सुना होगा, उनके सवालों को सुना होगा, और आरपी सिंह साहब ने भी काफ़ी अहम जानकारियां दी इससे जुड़ी हुई, क्या कहना आपका? देखिए नितिन जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे युवा हैं और आज बहुत जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें कई जगहों पर भ्रम का जाल फैलाया गया है, इस वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। हेलो, इस भ्रम को दूर करने के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। जी जी जी, मैं वही बोल रहा हूँ नितिन जी, जी कि हमारे देश का जो युवा मिलिट्री की में जाने की, सेना में जाने की तैयारी कर रहा है, वो अनुशासन सीखता है सबसे पहले। जी, और आज जो काम हुआ है ये एक तरह से अराजकता है, और सेना में जाने वाला अराजक नहीं हो सकता, इसलिए मैं कहता हूं कि सेना के नौजवानों जो तैयारी कर रहे हैं उनका नाम लिया गया है, और मुंह पर कपड़ा बांधे अराजक तत्वों ने इन सब चीजों का, जो आज देश में पूरी अराजकता फैली है, ये काम किया, चाहे ट्रेन टूटना हो या कुछ करना हो, इसमें अराजक लोग हैं। क्योंकि पीछे से आप देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए, चाहे वो हिजाब का विवाद हो, चाहे सीए का विवाद हो, चाहे किसान आंदोलन हो, भ्रम फैलाने के बाद कुछ न कुछ हिंसा हुई, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई, सबसे हुई। ठीक है, मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूं कि भ्रमित न हो, और अभी हमारे एक भाई जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, इतनी तैयारी भी कर रहे होंगे, इनको मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जो वरीयता की बात हो रही है, सबसे बेहतर बात है कि आप बताइए, 21 से 22 साल तक का युवा जो अगर 17.5 साल में भर्ती हो रहा है, 22 साल में वो एक अनुशासित सिपाही होकर निकलेगा, और वो अनुशासित सिपाही, जैसे अभी आपने कुछ प्रोमो में दिखाया कि आतंकवादी बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, सेना में जाने वाला, मैं फिर से कह रहा हूँ, आतंकवादी नहीं बन सकता है, देश का सेवा का जज्बा आ जाता है उसके अंदर। और जब वो वरीयता की बात करती हम लोग कर रहे हैं, वरीयता आज हर व्यक्ति ने खुले दिल से कहा है, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे उत्तर प्रदेश की मतलब सरकार हो, आसाम की सरकार हो, उत्तराखंड की सरकार हो, सब जगह की सरकारों ने कहा है हम वरीयता देंगे, भारतीय विमान पत्तन देगा, जहाज रानी मंत्रालय देगा, खेल विभाग देगा, ये वरीयता देने की बात है। और किसको हीरे नहीं चाहिए, जो 75% हमारे निकल के आएंगे वो हीरे हैं, अग्निवीर का नाम दिया गया है, क्योंकि वो 4 साल मिलिट्री के अनुशासन में रहकर आए हैं, और उनको जो आप कह रहे हैं ना कि गारंटी दीजिए, तो आरपी सिंह साहब ये भी तो कह रहे हैं, शाही साहब, एक मिनट जी, एक मिनट में कर लूं, कंप्लीट कर लेता हूं, आशीष जी की बात मैं कर रहा हूं। आशीष जी, आप 24-25 साल जो भी उम्र है भर्ती की, आप मान लीजिए कि 5 बार गए, 6 बार गए, नहीं भर्ती होता है, आप कभी हाइट में छाट दिए गए, कभी दौड़ में, कभी सीना में, कभी कोई चीज हुआ, तो उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद कोई विकल्प रहता है आपके पास? ये देश बहुत बड़ा है, जिस विकल्प में आप जाते हैं अभी भी वो खुला है, लेकिन आप लगभग 20 लाख रुपए के साथ वहां पहुंचते हैं, और सबसे बड़ी बात, सारी सुविधाएं हैं नितिन जी इसमें, सारी सुविधाओं के साथ वो तनख्वाह मिलेगी, और ऊपर वाला ना करे, अगर कोई अनहोनी होती है तो 1 करोड़ रुपए ही मिलते हैं, 48 लाख रुपए का बीमा और 52 लाख रुपए सरकार। तो ये सभी चीज से आच्छादित किया गया है, ये बहुत बढ़िया प्लानिंग की गई है, और उन अग्निवीरों को जो है समायोजित करने के लिए हर व्यक्ति लालायित रहेगा, वरीयता की बात नहीं है, एक तरह से इसको मानिए कि देश में बेरोजगारी का दर खत्म होगा, जो नए युवा हमारे हैं वो 4 साल वहां जाएंगे। आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि आप लोगों को कुछ नहीं किया जाएगा। ठीक, मैं आता हूँ, विनोद सिंह हमारे साथ कांग्रेस से हैं। विनोद भाई, शाही साहब ने काफी ब्रीफ करके बताया कि क्या क्या फायदे हैं इसके, काफी चीजों के बारे में बताया, आरपी सिंह साहब ने भी बताया, क्यों नाराज है युवा, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले इस विषय की गंभीरता को समझना पड़ेगा। आरपी सिंह ने तकनीकी इसके पहलू पर ध्यान दिया, लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करने के पहले आज माँ भारती के वीर सपूत उस भावी सैनिक को
जिसने रोहतक में अपनी सरकार से निराश होकर सरकार की इस मंशा के विपरीत में अपनी जान गंवा दी, उसके प्रति पूरे अपने तरफ से, देशवासियों की तरफ से पूरा श्रद्धांजलि और नमन करता हूँ। सवाल क्या है, भारतीय जनता पार्टी अजीब कसमकस और मानसिक स्थिति में है। दो तीन बातें हैं, देखिए, जब सवाल है क्या भारत में सेना के प्रति जवानों का हमारे लगाव कम है, क्या जनसंख्या का कोई चुनौती यहाँ पर है। जब अभी आरपी सिंह जी कह रहे थे कि इसके बहुत बेहतर परिणाम हो सकते हैं, मेरा एक सवाल है या सभी भावी सैनिकों का होगा कि जब पूरी सेवा देने के बाद, जैसे वो कह रहे थे कुछ ही अंचल से, कुछ ही हिस्सों से लोग आते हैं, पूरे देश से नहीं आ पाते हैं, ये शायद सरकार की मंशा है, तो ये बताइए जब ये चार साल का केवल कार्यकाल रहेगा प्राथमिक तौर पर, तो कैसे उनमें इतना ये लोक लुभावन रहेगा और उनका एंट्री के प्रति इतना स्वागत योग्य कदम सरकार का होगा, कोऑपरेट करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, आपने देखा संविदा का सरकार केवल अपने, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, अपने उद्योगपति मित्रों को लोन्स राइट ऑफ वेव ऑफ करने में पूरी रुचि लेती है, देश के सारे संसाधन किस प्रकार से अपने निजी संबंधों के प्रति सरेंडर कर दिए जाते हैं आंकड़ों पर है। रही बात जब ये देखिए बहुत ट्रिकी मामला है इस समय, मुझे लगता है और चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, जिस पूरे विश्व में जिस प्रकार की कसमकस चल रही है, जिस प्रकार से रणनीतिक और कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं, दबाव की राजनीति हो रही है, तो सेना के प्रति हमारे युवाओं की अनिच्छा किसी भी प्रकार, क्या भारत के भविष्य के लिए सही कदम होगा क्या। और रही बात, कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे ज्यादा जवानों को जो ठेस लगी है वो इस बात से लगी है कि पिछले दो साल से कोरोना के कारण को देते हुए उनकी भर्तियों को डिले किया गया, और आज उनके प्रति ये पूरी तरीके से छलावा और भारतीय जनता पार्टी का धोखा है, एक नए तरीके से ये बात कही गई। जो पूरी सेवा, अपनी पूरा जीवन, अपनी पूरी सेवा देने के लिए, ये एक सर्विसमैन का सम्मान कैसे दिला सकते हैं। देखिए सवाल है, जब कोई सेना से जुड़ता है, किसी परिवार का, सैनिक का परिवार पूरा, वो अपने आप को विशेष देता, हमारा समाज भी उनको विशेष सम्मान देता है, और ये किस प्रकार से उसमें एक तरीके से सस्ता हल्का कॉरपोरेट कल्चर लाके और सेना की विश्वसनीयता, गंभीरता, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का ये प्रयास है। ठीक है, रविंद्र सिंह पटेल साहब आऊंगा, सुन लीजिए। हाँ हाँ सर, आरपी सिंह साहब क्या कह रहे हैं, आप बोल दीजिए। देखिए, जो भी स्कीम आई है, जहां तक मुझे जानकारी है, ये इतनी जल्दी आई है कि पता नहीं इसका किस तरह से कब कार्यान्वित होगी। जो लोग आप जानते हैं, जो एक्स सर्विसमैन की जितने भी रिजर्वेशन है वो पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि जो देश की भर्ती सिस्टम है फौज के लिए और बाकी लोगों के लिए अलग है। फौज में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, केवल अग्निवीर ही आते हैं जी। उसमें कोई परसेंटेज नहीं है, ना एससी ना एसटी जी, ना बैकवर्ड। बाकी जो भी केंद्रीय सरकार है और जो भी प्रांतीय सरकार है, भर्ती सिस्टम को लागू करती है, और अगर फौजियों के लिए जैसे यूपी के अंदर 5% है जी, बाकी जगहों अभी तक खाली पड़े हैं, और गलत ढंग से भर्ती होकर के दूसरे लोग आए हुए हैं जो कि दूसरे क्लास के, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। दूसरी बात ये कि जैसे ये आदमी निकलता है उसको एश्योर्ड नहीं है प्रायोरिटी पे है, यानी अगर पुलिस के अंदर भर्ती है तो भर्ती के लिए जो भी उसके बेसिक क्वालिफिकेशन उसको पूरी करनी पड़ेगी और उसको आगे जाना पड़ेगा। वेटेज कितना मिलता है भगवान जाने जी। कितने परसेंटेज देते हैं, जो कि अभी ESM के लिए जैसे बोलते हैं वो सब खत्म किया जा रहा है। मतलब ये जो वरीयता वाला है इसे गारंटी में तब्दील करना बहुत जरूरी है। तो वो वही चीज जो कल जो है, जब अगर डिफेंस मिनिस्टर जो होम मिनिस्ट्री देख चुके थे उनको बताना चाहिए था। अभी क्या है, खाकी इज मोर स्ट्रॉन्गर गेटिंग डे बाय द आर्मी ओजी, और जिस द स्ट्रॉन्ग नेशन इज ऑलवेज विद द आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी मींस नेशन इज स्ट्रॉन्ग। अगर आर्मी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो नेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट इज वन प्रिंसिपल। और अगर ESM जो वेटरन्स हैं, जो कि अमेरिकन आर्मी के अंदर बड़े इज्जत के साथ देखे जाते हैं, हर जगह इज्जत के साथ देखे जाते हैं, इनकी जो आपके जो देश के अंदर जो अभी भर्ती एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है, वो ये इनको सूट नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी हैं अगर उनको भर्ती नहीं मिल पा रही 100%,
तो वो किसी और सेक्टर में जाएंगे और किसी और जगह पे जाएंगे, तो उसके लिए पहले से इनको एड्रेस करना पड़ेगा। ऑलरेडी ये कहा जा रहा है ये किया जाएगा, ठीक, तो ये चीज इसको एड्रेस करने की सख्त जरूरत है। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, मैं आऊंगा विनोद भाई आपके पास। रविंद सिंह पटेल हमारे साथ आरएलडी से। रविंद भाई, आपको क्या लगता है, इस स्कीम से युवाओं का जो अवसर है वो और बढ़ेगा या कम होगा? मैं तो यही कहूंगा जो मैंने परसों भी कहा था आपके चैनल पे, आज फिर कहता हूँ, कुछ बातें हैं कह दी जाती हैं कहने को। दूसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से नाइतफाक होते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हर बात को आप अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष के नेताओं और दूसरे लोगों पे जो आप मढ़ने का काम करते हैं, वो मानिए कि आपकी नाकामी है। मैं एक लाइन में आपको संतुष्ट कर दूंगा कि असंतोष जो है वो अपराध का द्योतक है। ये असंतोष जो इन नौजवानों के मन में है, हम जैसे लोगों के मन में है और संपूर्ण देश के मन में है, उस असंतोष को आपको स्पष्ट करना होगा। वह असंतोष है क्या? वह असंतोष सिर्फ नाम में, आज फौज की बात नहीं है, इसके पहले चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे हमारे देश का युवा बेरोजगार रहा हो, हर मामले में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र की, तब से इनको छेड़छाड़ करने की आदत बन गई है। एक जो संघीय ढांचा था, जो हमारी व्यवस्था थी, और उसी व्यवस्था के सहारे हमने पिछले 70-75 सालों में देश को एक नई ऊंचाई, एक नया कीर्तिमान दिया। आज क्या है कि इनको आदत सी हो गई है इतिहास से छेड़छाड़ करने की, हमारे संघीय ढांचे से छेड़छाड़ करने की, हमारी पारंपरिक व्यवस्था से छेड़छाड़ करने की। और जो फौज रिस्पेक्ट का विषय वस्तु था, सम्मान का विषय वस्तु था, आदर का विषय वस्तु था, आज उससे भी ये त्राहि त्राहि कर रहे हैं। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद इनका कहना है कि हम ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देके निकलेंगे, बड़े हम जिम्मेदार हो जाएंगे। निश्चित तौर पे जिम्मेदार हो जाएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। जैसे आपने योजना निकाली, वैसे ही आप इसमें आप इसको क्रमवार बता भी देते, और जो आप कह रहे हैं कि हम वरीयता देंगे, अवसर देंगे, नौकरी देंगे, चाकरी देंगे, आप ये बताइए कि पिछले 8 सालों में आपने दिया कितना रोजगार? पहले तो आप ये तय करिए कि हम प्रतिवर्ष कितने रोजगार निकालेंगे और उन रोजगारों में इन बेरोजगारों को भरेंगे। आपके पास तो यही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का ही आंकड़ा नहीं है आपके पास। आपके केंद्र की सरकार ने 2016 में ही उस आंकड़े, उस संस्था को बंद कर दिया। तो देखिए, ये सिर्फ जुमलेबाजी है, शब्दों का हेर फेर है, गुमराह करने की नियति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, मैं सर इसको स्पष्ट कर दूं, मेरी कोई नियत, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं नौजवान के साथ हूं, देश के साथ हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर क्योंकि अगर मगर कर्नल साहब भी कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी, सभी लोग अगर मगर पे जवाब दे रहे हैं, क्योंकि किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। नहीं तो कॉन्सेप्ट जब तक जमीन पे आएगा नहीं तो क्लियर कैसे होगा? हम लोग डिबेट कर रहे हैं, कर्नल साहब कह रहे हैं अगर, हम कह रहे हैं मगर, तो अगर मगर से जवाब नहीं चलेगा। ये योजना लाने से पहले सरकार को ब्रीफ करना चाहिए था, सरकार के लोग प्रवक्ता बैठे हैं और हमारे सैन्य अधिकारी ब्रीफ करते। और सुनिए, फौज में जो कर्नल साहब ने कहा कि कुछ क्षेत्र के लोग जाते हैं, फौज आहुति देने का मादा सब में नहीं है, गुजरातियों में मादा नहीं है, ये गुजरातियों की मादा नहीं है, वो पैसा लेके भागने का काम करेंगे। हम किसान के बच्चे फौज में जाते हैं, हम बच्चे फौज में जाते हैं क्योंकि हमें आहुति देना आता है, हमारे खून में देश के लिए मर मिटना लिखा है, हम उसके लिए तैयार खड़े हैं, हम देश से गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन ये असंतोष जरूर है कि 4 साल के बाद जब हम बेरोजगार होंगे तो जो हम प्रशिक्षण पाए होंगे उस प्रशिक्षण का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इतना दिमाग साफ होना चाहिए हमारा, आपका, हम सबका, कि अगर हमें पिस्टल चलाना आता है, गोली चलाना आता है, और हमारी भारतीय जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, भारतीय पुलिस है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उनसे बहुत ज्यादा चैतन्य होंगे वो प्रशिक्षित हमारे नौजवान। ये तो आप सवाल कई सारे खड़े कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल है, हम तो हर डिबेट में कहते हैं। परसों आप क्या कह गए, बाकी चैनलों में जाता मैं कहता हूँ, ये आप सिर्फ असंतोष पैदा कर रहे हैं और असंतोष अपराध का द्योतक है, ये अपराध की ओर आप ठेल रहे हैं। ठीक है, तारिक खान हमारे सपा से, तारिक खान आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, और आज युवा काफी नाराज था, क्यों नाराज था, क्या कारण रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि बीजेपी का ये कहना कि ये विपक्ष ने किया है या विपक्ष ऐसा करता है, नहीं, युवा खुद आया सड़क पे, उसकी ये समस्या है, उसने अपनी समस्या के लिए जो किया उसकी निंदा करते, ऐसा नहीं करना चाहिए, वायलेंस का कभी सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो अगर सड़क पे आया तो उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करिए। मैं बताता हूँ, एक एक्स सर्विसमैन है, जैसे हमारे बहुत सीनियर एक्स सर्विसमैन है, मैं बहुत
रिगार्ड के साथ उनको सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, अच्छा एक्सप्लेन किया। पीके सहगल साहब ने कहा, एक्स आर्मी मैन है पीके सहगल साहब, उन्होंने कहा कि 55,000 आर्मी मैन रिटायर होते हैं जिनमें से 1-2% ही लोगों को नौकरी मिलती है। ऐसा क्यों? अगर वो एक्स सर्विस मैन को 1-2% नौकरी मिल रही है तो ये तो यहाँ सिर्फ सिपाहियों की भर्ती हो रही है, ये तो बहुत लो ग्रेड होंगे। क्या हम उनको 10-15 लाख रुपए देकर फिर अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि अब आप कहाँ जाएंगे? प्रॉब्लम नंबर एक। ठीक है, सरकार ने यह भी नहीं स्पष्ट किया कि उनको आने वाले टाइम में कहां नौकरी मिलेगी। एक और सवाल, क्या जो 75% लोग बाहर निकाल दिए जाएंगे उनका मोटिवेशन लेवल कम नहीं होगा कि मुझे फौज ने एक तरीके से रिजेक्ट किया है? सॉरी टू से, वेरी सॉरी टू से सर, मिलिट्री सर प्लीज, मुझे फौज ने रिजेक्ट किया है, दैट मे कॉज अ टाइप ऑफ डीमोटिवेशन टू रूस पीपल। उनके लिए डीमोटिवेशन होगा या नहीं होगा? ठीक है, दूसरा सवाल, जो अगर जब वो यहां भर्ती लेंगे 17.5 साल की उम्र में, तो अगर वो पढ़ाई कर रहे होंगे तो वो ग्रेजुएशन में होंगे सर, फिर वो आर्मी में चले गए, उनका बीच में पढ़ाई डेविएट हो गई, फिर वो वापस लौट के आए, पढ़ाई कंटिन्यू करें कि दूसरी तरफ अब नौकरी ढूंढे कि कैरियर में किधर जाए? तो क्या ये नहीं हो रहा है कि वो जो एक बहुत प्रिसाइज कैरियर होना चाहिए कि मुझे इधर जाना है, उसको एक बीच में डेविएशन दे रहे हैं हम कि तुम इधर नहीं इधर चले जाओ, फिर देख लेना अपने हिसाब से जो समझ में आएगा वो कर लेना। क्या ये मतलब जस्टिफाइड होगा? एक सवाल और मेरा कि क्या सरकार ने अपनी सारी बातों को कन्विक्शन पूर्वक, कन्विक्शन मतलब क्या होता है कि मैसेज फुली डिलीवर्ड हो, उसको जनता तक पहुंचाने में वो कामयाब नहीं रहे? क्यों? क्योंकि उन्होंने ये क्लियरली नहीं बताया, या तो उनको वेट करना चाहिए कि योजना क्या है, कहां नौकरी मिलेगी, कैसे मिलेगी। अब एक बात और, इनको ट्रेनिंग मिली 6 महीने की सिर्फ सर, जो नौसेना और एयर फोर्सेस की जो ट्रेनिंग होती है, जो लोअर लेवल पे लोग जाएंगे वो मैं मान लेता हूं कि जो आर्मी में जाएंगे वो ठीक है, लेकिन इसमें जो जाएंगे उनको ट्रेनिंग पीरियड थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, मुझे ऐसा लगता है एज अ कॉमन मैन, बट पीपल हु आर फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड दे माइट हैव नो बेटर। और जो इनकी आपने सैलरी रखी है वो फोर्थ क्लास के बराबर है सर, फोर्थ क्लास के बराबर सैलरी दे के हमने कहा कि चलो अग्निपथ पर, हम देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है, मैं भी चल दूंगा, लेकिन नाउ आई एम ओवर एज। एक 22 साल के लड़के ने ट्वीट किया, आज मैं ट्विटर पे बैठा हुआ था, उसने कहा सर नाउ आई एम 23, मैं अग्निवीर नहीं बन सकता हूं। वो 23 है तो क्यों अग्निवीर नहीं बन सकता? रशिया की उम्र 25 साल है, आपने 21 में ही क्यों रोक दिया? 24-25 रखते, आपने कहा अग्निवीर बनो, अग्निपथ पे चलो, मैं चला। रास्ते में तुम आपने कहा कि आप अग्निपथ से हट जाओ, अब अग्नि पर चलो, शांतिपथ। अब भाई अग्निपथ पे मैं चला ठीक है, तो मुझको लास्ट तक अग्निपथ पर चलाइए ना, बीच में कह रहे हैं आप उतर जाइए अब अग्निपथ से। ठीक है ठीक है ठीक है तारिक भाई, मैं आ रहा हूँ। हमारे कर्नल साहब को जवाब देना चाह रहे थे, कर्नल साहब हैं आप, आवाज मिल रही है आपको? रही बात ये की एक चीज इन्होंने उठाई की ट्रेनिंग की बात जी, ट्रेनिंग के लिए वो जो सोचा जा रहा है आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के अंदर, देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड जो मॉडर्न तरीके से होगा उसमें ड्यूरेशन घटाने की बात हो रही है जी, और लाजमी है घटेगा। दूसरी बात, इनटेक जो है ऐसे टेक्निकल लोगों को ली जाएगी जो ऑलरेडी ट्रेंड होंगे, जैसे कि कोई भी टेक्निकल जो कि तकरीबन 90% टेक्निकली क्वालिफाइड अब सिविल में ही हो जा रहे हैं, तो वहां पे आर्मी में उनको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं होती है, सिवा एरोनॉटिक्स या नेवी के कुछ ऐसे इक्विपमेंट है, बट आईटीआई लेवल पे और या सीनियर लेवल पे ऐसी ट्रेनिंग हो रही जो कि ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, तो उसकी ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम आने की बात नहीं। लेकिन सर ये भी कहा जाता है कि आर्मी का कल्चर समझते समझते 1.5-2 साल लग जाते हैं। जी हाँ जी, तो वही मेन चीज मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है जो चीज इनकी बताई जा रही है, पहली चीज आप जो ध्यान दीजिए, ये अग्निवीर को एक अलग से एक तरह से अलग से एक लेवल मिलेगा, एक तरह से इंडिकेशन एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, उसको सिपाही का दर्जा नहीं मिलेगा जी, वो कभी भी सिपाही नहीं होगा, कभी भी एक सर्विस मैन नहीं होगा, वो अग्निवीर ही रहेगा, उसको जो है एक तरह से दाहिने कंधे पे एक लगा दिया जाएगा अग्निवीर का, वो अपने रेज्यूम में लिख सकता है। रेज्यूमे में ये भी जुमला हो गया सर, एक सर्विस मैन, एक छलावा और जुमला ये भी हो गया। सुनिए हाँ, ये लिखा हुआ है जी। उसी बात, जो मेन जो टेक्निकल फोर्स जो होती है, जो लीडरशिप होती है, जो लीडर्स होते हैं, जो कि ऑलरेडी लीड करते हैं
मिनिमम 10 टू लेकर के 1000 लोगों को, जैसे हम लोग ऑफिसर्स होते हैं उससे जवानों के अंदर नायक होते हैं सिपाही होते हैं, उनके जो कोर ग्रुप है जो लीडर्स है वो 25% होने वाले हैं, वही 25% जो आकर के पूरे सिपाही बनेंगे, वही पूरे टेक्निकल बनेंगे, वही टेक्निकल हेड्स बनेंगे, वही आगे इनको लीड करेंगे। तो जो टेक्निकलिटी की बात आ रही है जैसे एयरफोर्स के अंदर है जो कि पूरे एयरक्राफ्ट को वो एक्टिवेट करते हैं या माउंटेन्स के अंदर माउंटेनियरिंग करते हैं, इसकी प्रॉब्लम जरूर है क्योंकि हम लोग का इंडिया का टेरेन काफी वास्ट है, माउंटेन्स है, डेजर्ट्स है, सी है, जंगल है, इस तरह की प्रॉब्लम इतनी है कि जो कि इस चीज को उन्हें आइडेंटिफाई करना है। रही बात जो स्कीम्स है, लास्ट 75 ईयर्स के अंदर इतने स्कीम्स हो गए हैं, इतने कमीशन बैठ गए हैं, कोई एक्टिव नहीं हुआ है। आप अगर ग्राउंड के ऊपर देखें तो कोई भी एक्टिव नहीं हुआ, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम जो फौज के अंदर सुधार आया, एवी सिंह कमेटी, आदित्य विक्रम सिंह कमेटी, जिसमें कहा गया 30-40% एक्स सर्विस मैन शुड बी गिवन टू द पैरेलल गवर्नमेंट जॉब ऑब्लिक कोऑपरेट वर्क, आज तक नील है जी। उसी टाइम का 20 साल पहले का सीडीएस, देयर नो सीडीएस आई डोंट थिंक जी। तो ये सब चीजें कहने के लिए है ग्राउंड के ऊपर, जब तक इस स्कीम को एक तरह से डवटेल नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। वी हैव टू पुट द डवटेलिंग विद द बाकी मिनिस्ट्री के साथ, जैसे होम मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, आपके कोऑपरेट वर्ड्स हैं, उसके साथ इसको जब तक आप डवटेल करके गारंटी नहीं देंगे तब तक ये जो है एक तरह से जो भी डाउट्स हैं लोगों के माइंड में वो पूरा बनी रहे। ठीक है सर, ठीक है। यही बात भर्ती की बात है, भर्ती पिछले 2 साल से रोकी गई है क्योंकि क्रिएट की जा रही भर्ती, और हर साल ये 40,000-50,000 की भर्ती होगी जो कि अगले साल तक चलती रहेगी, और हर साल इसमें 4 साल बाद 25% ही निकलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इस साल अभी जो है 22 दिसंबर जो है उम्मीद की जाती है कि 40,000 की भर्ती की जा रही है। जी जी, अब ये पॉलिटिकल लोग बताएंगे ऐसा। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, मैं इन्हीं लोग के पास चलता हूँ। शाही साहब क्या कह रहे थे आप? 2-3 दलों के लोगों ने बात किया, पैनल साहब जो बोल रहे हैं वो तो सबने सुना, लेकिन मैं राजनीतिक दलों की बात करता हूँ। सपा से शुरुआत करता हूँ, फिर अंत में कांग्रेस पर आता हूँ। सपा ने कहा पढ़ाई में दिक्कत होगी, डेविएशन कर रहे हैं ये लोग। भाई जिसको पढ़ना है, जिसको इंजीनियर बनना है, जिसको डॉक्टर बनना है, वो सेना में भर्ती होने नहीं जाता है, कहीं कोई डेविएशन नहीं है। और उसको निकलने के बाद इंटरमीडिएट किया, सर्टिफिकेट दिया जाता है, अगर कोई 17.5 साल बाद में भर्ती होता है, 18 साल में भर्ती होता है, वो 22 साल का होके निकलता है, तो उसके पास अगर इंटरमीडिएट की डिग्री होती है, फिर उसके बाद 30 साल तक कोई भी एग्जाम देने का उसके पास समय रहता है, तो कोई डेविएशन नहीं है। इंटरमीडिएट की उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद कहीं भी नौकरी कर सकता है, और उसको वरीयता भी वहां मिल रही है। तो ये दुनिया में भ्रम मत फैलाइए कि डेविएशन होगा। सैलरी 4th क्लास के बराबर, 4 साल में कौन सा जो अभी हमारे सामने ये भाषण दे रहे हैं, अगर घर के पिताजी का पैसा न हो तो जहां इतने लोग बैठे हुए हैं कोई बता दे कि 22 साल की उम्र तक उसने 20 लाख रुपए कमा लिया था अपने बलबूते पर। जितने लोग बैठे हैं मैं पूछता हूं उससे, नहीं हो सकता। वो 20 लाख रुपया लेकर बाजार में उतरेगा, अगर उसको व्यापार करना है व्यापार करे, न करना है कहीं नौकरी करना है तो उसको जो है उसके पीछे कुछ पैसे खड़े हैं। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, RLD के साथी ने कहा कि हाँ ये जो है ये भ्रम फैलाने वाली बात है। देखिए ये युवाओं को भ्रमित करने वाला कि जो हम प्रशिक्षण पाएंगे उसका उपयोग करेंगे, यानी कि नेगेटिव सोच। अरे भाई जो सेना से आएगा वो देश के लिए रहेगा, उसका जज्बा रहेगा, वो कहीं कोई देश विरोधी काम नहीं करेगा आप जैसे लोगों की तरह कि ट्रेन फूंक दो मुंह बांध के। तीसरा, संघीय झारखंड की बात किया, पश्चिम बंगाल में आपके शासक कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? पहले बीच में नितिन जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, एक एक करके मैं शांत हो जाता हूँ, इन लोगों से बोलवाइए। ठीक है ठीक है, आप बोलिए आप बोलिए शाही साहब। यहाँ यहाँ उग्रवाद मत फैलाइए भाई आप लोग। संघीय ढांचे में छेड़छाड़ जो है, संघीय ढांचे में छेड़छाड़ भारत सरकार जो है 56-70 साल की कांग्रेस की सरकार रही,
उसमें बहुत से आमूलचूल चीज की परिवर्तन की आवश्यकता है। हमने कई कानूनों को बदला है, बदलेंगे, जो खराब हो चुके हैं उसको दुरुस्त करेंगे, नयापन लाएंगे, चीजों को बदलने की और उसके करने की आदत डालिए आप लोग। जीवन भर एक कहावत कही जाती है कि पिताजी सरसों लाद के घूम रहे थे तो हम भी सरसों लादे। अरे भाई, हल्दी, मिर्चा, नमक बहुत कुछ है, आप आइए ना, आगे बढ़िए, बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। एक बात इन्होंने और कहा, विपक्ष से चर्चा करनी चाहिए। भाई, विपक्ष से चर्चा हम करते हैं, हमेशा करते हैं, अभी सत्र चालू होता है तो विपक्ष से चर्चा करते हैं, उस पर राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाने लगते हैं, ये जो है क्या कहते हैं अखिलेश यादव कुछ आए बाए बोलने लगते हैं, देखिए किस तरीके से सदन में क्या कर रहे थे, ये तो चर्चा हुई थी, सर्वदलीय बैठक होती है, नहीं मानते हैं लोग तो चर्चा कर, उसके बाद अगर कोई मजमून पता चल जाता है कि ये देश में आने वाला है तो उसको लोग प्रेस में कहीं भी रिलीज करके उसका भेजा गलत फायदा उठाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यकता, मुझे नहीं लगता है कि इन विरोधियों से जो आजकल विरोधी भारतीय जनता पार्टी के हैं, चर्चा करना चाहिए। मैं कांग्रेस की बात का भी जवाब देना चाहूंगा। हमारे भाई विनोद जी ने आज बड़ी बड़ी बातें की सेना के लिए, सेना के जवानों के लिए, और कांग्रेस के लोग अगर इस तरीके की बात करते हैं तो हंसी आती है और कहीं ना कहीं देश शर्मिंदा होता है। जिस कांग्रेस पार्टी ने एक अमर जवान ज्योति के बगल में जो है, जो हम लोगों ने वार मेमोरियल बनवाया, सोनिया जी ने क्या कहा था, इंडिया गेट की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, वहां वार मेमोरियल नहीं बनेगा, लेकिन इस सरकार ने बनाया क्योंकि हम सेना के बारे में सोचते हैं। और आगे इन लोगों ने क्या कहा कि सेना का प्रमुख जो है गली का गुंडा है, इस तरीके की बात। बालाकोट में जब स्ट्राइक हुई तो इन लोगों ने कहा चिड़िया और कौए मरे हैं, यही कांग्रेसी लोग हैं जो वहां पर जो है मांग रहे थे सबूत, कि सबूत दीजिए कि आपने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। विनोद जी कुछ तो कहना चाह रहे हैं, लोग बात ना करें ऐसा, इसलिए सेना पर ताबूत घोटाले के बारे में बताएंगे। विनोद जी कुछ कह रहे हैं, रवि भाई आ रहा हूं उसके बाद, ताबूत घोटाले के बाद कुछ बताएंगे। देखिए देखिए, कृपया करके मेरी अपील है शाही जी से, मैं कह सकता हूँ कि आपकी राजनीति में, झूठ की, जुमले की, आग की राजनीति में आपने अग्निकुंड 2014 से पूरे देश को बना दिया है, उसमें कृपया करके आरपी सिंह जैसे समर्पित सैनिक का और सेना का कम से कम राजनीतिकरण मत करिए, मेरी यही आपसे अपील है। आपने कांग्रेस को राजनीति में लिया है, ये मैंने नहीं किया है, ये कांग्रेस कांग्रेस के लोगों ने कहा है। आपको नहीं मालूम है किस प्रकार से सेना के सशक्तिकरण के लिए, नवीनीकरण के लिए, सुसज्जितीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने, कांग्रेस की विचारधारा ने देश को आज इस यात्रा तक एक सशक्त भारतीय सेना का जो हुआ, सैनिकों का पूरा योगदान उसमें रहा, उनका बलिदान रहा, त्याग रहा, लेकिन उसको ब्लूप्रिंट देने का काम, उसको सहयोग करने का काम, देखिए जनरल बीके सिंह को क्या कहा था, भारतीय सेना, आप भारतीय सेना के सम्मान को कम ना करिए, आप अपनी सस्ती हल्की राजनीति करते रहिएगा, आप मतलब नहीं कर सकता, देखिए हल्की हल्की सस्ती राजनीति के चक्कर में सेना का एक सतत विकास की यात्रा रही है, उनके सशक्तिकरण का एक लंबा इतिहास है, उनके वीरता का, उनके पराक्रम का, इसीलिए आप लोग मांग रहे थे क्या, कलंकित करने का काम, इसीलिए सबूत मांग रहे थे भाई, मुझे आपत्ति है, मुझे घोर आपत्ति है, सबूत इसीलिए मांग रहे थे, आप पर छींटा कसी कर आपत्ति कर रहे हैं, हमको गाली दे दीजिए, क्यों मांग रहे थे, हमको गाली दे दीजिए, भरोसा नहीं था, लेकिन सेना के ऊपर भरोसा नहीं था, सैनिकों के ऊपर भरोसा नहीं था, और आपकी जो ये सोच है, देखिए सबूत क्यों मांगा आपने, देखिए सैनिक आज जो सैनिक असंतोष पूरे देश में है, सड़कों पर है, जान गंवाने के लिए बाध्यकारी आपके पास, उसको जवाब देने का सैनिक असंतोष नहीं है, सवाल शब्दों का प्रयोग मत करिए, सैनिक संतोष नहीं है, सैनिक आधार है सेना का, सैनिक आधार है, नहीं बन जाएंगे, रीढ़ की हड्डी है सेना की, अगर उसमें इस प्रकार का भयंकर भयंकर और व्यापक रूप से असंतोष रहेगा, निराशा रहेगी, तो कैसे आप देश को सुरक्षित सुरक्षा के रास्ते पर आगे ले जा पाएंगे, ये सवाल बहुत गंभीर है, इसको पूरी प्रामाणिकता के साथ सोचते हुए, गंभीरता के साथ चिंतन करते हुए इनको एड्रेस करने का काम करिए, आप उनकी चिंताओं विनोद जी विनोद जी विनोद जी आपने कहा सही बात है, सबूत किससे मांगा था, आपको भरोसा नहीं था सेना पर, अच्छा और आज जो हो रहा है, आज जो हो रहा है सेना के लोग नहीं कर रहे हैं, सेना में कहीं जानना चाहता है, ताबूत घोटाले के बारे में कुछ बताएंगे आप, ताबूत घोटाले के बारे में कुछ बताइए, ये कौन बोल रहा है भाई, नितिन जी कौन है, ये रविंद्र पटेल है आरएलडी से, पटेल जी, जी अरे आरएलडी का जो है अपना देखिए भाई, आप लोगों का कोई योगदान नहीं है, ठीक है, एक व्यक्ति को निकाल दिया जाए माननीय चौधरी जी को, उसके बाद आप लोगों का कोई योगदान नहीं है, क्या यहाँ पर बैठ के डफली बजाएंगे, नागरिक होने के नाते मैं नहीं बोल सकता, सवाल नहीं पूछ सकता आपसे,
अगर मैं आरएलडी जैसी छोटी पार्टी का प्रवक्ता हूं तो नहीं बोल सकता। और सुनिए ना, आप उस पार्टी के नेता है जिस पार्टी ने हमारी पार्टी का सहारा लेके चला। इतिहास में जाइए, आप इतिहास बहुत खोजते हैं, तो इतिहास खोल लीजिए। अस्सी से पहले क्या थे आप, और आपके आपके वरिष्ठ नेता क्या करते थे चौधरी चरण सिंह जी के साथ? तो आप ने, आप हमको ज्ञान न दीजिए और हमारे हैसियत का अंदाजा मत बताइए। मैं भारत देश का एक नौजवान हूँ और भारत देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन लोग थे जिन्होंने तांबूल घोटाले में हिस्सेदारी ली थी? वो कौन लोग थे जिन्होंने राफेल विमान उतारा की है? वो कौन लोग थे जिन्होंने भारतीय सेनाओं का ईमान बेच दिया? और आज आप मैं जानना चाहता हूँ पुलवामा में हमले में जो सैनिक मरे थे उनकी जान उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? सहारा देने वाले बन गए। सुनिए सुनिए साईं साहब, पुलवामा हमले की जांच तक नहीं है भाई। आप और आज सुनिए, आप लोगों के पास खुद आपकी टांग टूटी हुई है, दूसरे के सहारे पर है, बैसाखी पर किसको सहारा देंगे आप? अरे आप दीजिए जिसको दे रहे हैं। अरे ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां आपने सहारा नहीं लिया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कहां सहारा नहीं लिया आपने? आप सहारे पर चल करके आज लंगड़ी सरकार बनाए हैं, तो आज इतना सत्ता का दम है आपके अंदर है? बिहार में आप लंगड़ी हैं, प्रदेश में आप लंगड़ी हैं, ठीक है, आपकी सरकार बन गई है, बिहार में बड़े भाई हैं, छोटे भाई नहीं है। ऐसे ही बड़े भाई छोटे भाई कह करके आप लोग सहारा करके लोगों ने लेते हैं, निपटा देते हैं आप लोग, और ऐसे ही देश को निपटा रहे हैं। अरे भाई जब आपका साई साहब जो है दूसरे के सहारे तीन पीढ़ियों से राजनीति में नहीं है कि वो राज्यसभा पहुंच पाए, अपना बंगला बचा पाए, अपना घर बचा पाए, तो देश की आजादी से लेकर यहां तक बोलूंगा नहीं है। और तो आप लोगों को बता नहीं पा रहे, मैं कहता हूं ताबूत घोटाले के बारे में बताइए ना, आप बताइए पुलवामा हमले के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? बताइए आपका जो अध्यक्ष है वो खुद ही दूसरे के सहारे है भाई, कहाँ है आप लोग? अरे आप भी तो सहारे हैं, इस हैसियत में ही आपकी पार्टी एजेंडा क्या है तो सहारा दे सके। देखिए अभी अभी मुद्दे पे चर्चा करिए, मुद्दे से ना भटकिए, राजनीतिक चर्चा नहीं हो रही है, प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज मुद्दे पर भटकिए, शाही साहब जवाब नहीं देंगे मुद्दे से, ठीक है? वो तो देना ही नहीं चाहते ना। आप मुद्दे पर सवाल पूछिए, वो जवाब क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे जवाब, दीजिए ना नौजवानों का कैसे क्या है, क्या ब्लू प्रिंट है आपका, आप बता दीजिए हमें, हम लोग चुप हो जाएंगे। देश की सरकार तो आप चला रहे हैं, देश के सामने है ब्लू प्रिंट, आपके चिल्लाने से या मीडिया ट्रायल से ब्लू प्रिंट नहीं मिलता है, सेना का मामला है, सरकार को जो बताना है आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। आप लोग भ्रम मत फैलाइए, ब्लू प्रिंट क्या करेंगे? सरकार सबको देंगे, हम जवाब देंगे, एक एक व्यक्ति को संतुष्ट करेंगे, और आप लोग भ्रम फैलाकर दंगा मत करवाइए हमारे। नितिन भाई जवाब दे दूं मैं, आ रहा हूं तारिक भाई इसके बाद जस्ट आपके पास। साईं जी एक सवाल है आपसे और कर्नल साहब से, जो ये दो सवाल भर्ती नहीं हुई दो साल तक, तो उसमें जो लोग ओवर एज हो गए, अब उनकी आयु पूरी हो चुकी, उनको आप उनके साथ अन्याय नहीं हुआ क्या सैद्धांतिक तौर पर आपके इस मकर जाल वाले? विनोद जी सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, उसके लिए भी सरकार कुछ न कुछ सोचेगी, युवाओं के लिए समय सोचा जा रहा है। और एक लाइन कह के हम बात समाप्त करते हैं क्योंकि वाद विवाद का समय नहीं है, देश की हम चौथी बड़ी सेना है आपने कहा अभी, लेकिन उसके बाद जो है स्थिति ये है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे जगहों पर ये सिस्टम लागू है जो कि मजबूत सेनाएं हैं, वहां पर कोई ऐसा प्रतिकार नहीं होता है क्योंकि वहां के लोग देश के बारे में सोचते हैं, भ्रम नहीं फैलाते हैं वहां पर। ठीक है तारिक खान जल्दी से अपना सवाल पूछिए, क्या कह रहे थे आप? नहीं देखिए अभी शाही जी ने जो बात कही मैं बहुत ज्यादा डिसएग्री हूँ उस बात से, उन्होंने एकदम अंडर एस्टिमेट किया कि एक 23-24 साल का लड़का कुछ नहीं कर सकता। अरे एक 23-24 साल का लड़का आईएएस बन जाता है जिसके पीछे हजारों लोग खड़े होते हैं, सर कहते हैं, आप कैसे हमारे पोटेंशियल को जो एट द एज ऑफ 16-17-18 तैयार हो जाता है पैसे कमाने के लिए, आप उसको कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो एट द एज ऑफ 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, 26 की एज तक वो कुछ कमा ही नहीं पाएगा। बहुत कुछ कर सकता है, बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत कुछ बन सकता है, ये कहना बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं इनकी। और दूसरी बात, ये तो जैसे एक मास्टर साहब थे, वो हम लोगों को पढ़ाते थे बचपन में, वो कुछ गलत हो जाता था तो ब्लैक बोर्ड पे ही हाथ से पोछने लगते थे। आप लेके आते हो और नई नई चीजें, फिर उसके बाद अचानक से वापस चले जाते हो। कृषि कानून में भी यही हुआ, क्या होमवर्क नहीं करते क्या घर पे आराम से? अच्छे से होमवर्क करके
तब लेके आइए ना, क्या जल्दबाजी रहती है, क्या चुनाव की जल्दबाजी रहती है। होमवर्क किया था, आपने वापस लिया किस कृषि कानून को, इसमें भी कई त्रुटियां हैं। हमारे मिलिट्री मैन भी कह रहे हैं हम लोग कौन होते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। अंबानी को, अडानी और अंबानी को आप लोगों ने गाली दिया, और वही किसान आपके साथी जो हमारे भी देश के अन्नदाता हैं, अडानी के साइलो में ट्रैक्टर से लाइन लगा कर खड़े थे बेचने के लिए, रखने के लिए। मुझे शाही जी की आवाज सुनाई नहीं दे रही। हां तारिक भाई बोलिए। इसलिए मैं नितिन भाई, मैं शाही जी की आवाज सुन नहीं पा रहा हूं। तारिक भाई शाही साहब कह रहे हैं कि स्टडी करने के बाद ही कृषि कानून को भी लाया गया था, और स्टडी करने के बाद भी ये शॉर्ट टर्म स्कीम लाई गई है आर्मी और अन्य से भर्तियों के लिए। अरे वो एक्स्ट्रा, मैं मानता हूँ इस... तो वापस नहीं, नहीं, नहीं जी, वो एक्स्ट्रा क्लास करते हैं, नहीं, नहीं, मैं मानता हूँ स्टडी करके लाए होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या वापस ले लिए, जब देश देखिए हम उससे जुड़े हुए लोग ने कहा उनकी बातें अहम नहीं है। अगर कृषि कानून आ रहा है तो कृषि क्या कह रहे हैं बहुत अहमियत है। इसी तरीके से अगर आप आर्मी के लिए कोई कानून लेके आ रहे हैं और आज आप लोग बहुत जरूरी है कि उसकी तैयारी करने वाले लड़के क्या कह रहे हैं उसकी भी बात सुनिए ना। ये तो डेमोक्रेसी है, प्लीज प्लीज वन बाय वन प्लीज। इसलिए जनता ने आप लोगों को इसे थुके चाटना कहते हैं, इसे बड़पना नहीं कहते हैं। 700 किसानों की शहादत हो गई, जनता ने इसीलिए तो लात मारा, की शहादत हो गई, जनता ने लात मारे भगाया। वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, जनता ने आप लोगों को इसीलिए लात मारकर भगाया, जनता ने आपको कहा हटा यहां से। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमारे विषय में सोचती है। ठीक है शांतनु यादव, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शाही साहब से? सर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो नौजवान हैं, जो कोरोना काल के बाद अभी तक कोई सेना में नई नियुक्ति नहीं हुई है, जो मेडिकल और फिजिकल क्लियर करके बैठे हुए अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, उनको सरकार नियुक्ति पत्र कब देगी? नहीं तो वो उसके लिए तो बताया गया कि वो भर्ती अब बिल्कुल से कोलैप्स हो जाएगी और नए सिरे से, वही मैं कह रहा हूं, इसी जो शॉर्ट टर्म स्कीम है इसी जरिए उसे भर्ती किया जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो आत्महत्या कर रहे हैं ना पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं। तो जब इस तरह का माहौल बनेगा तो आगजनी तो होगी होगी। मैं किसी तरह का आगजनी या किसी तरह का उस तरह का मैं जो कर उपद्रव का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। इस तरह के लोग हैं उनको, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करे उन लोगों पे, जैसे कि शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में शांति प्रदर्शन करने गए, वहाँ हम लोग को रोक लिया गया, हमारे कई सीनियरों को बैठा लिया गया चौकी में। तो शांति प्रदर्शन हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग किसी उपद्रवियों का समर्थन नहीं दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये इंडिकेट करना चाहती है कि जो शांति प्रदर्शन करना चाहते हैं वो उपद्रवी हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये इंडिकेशन है, लेकिन ऐसा नहीं, नहीं। हर जगह शांतनु भाई सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए एक लाइन का। देखिए लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में किसी को भी प्रदर्शन करने का, अपनी बात कहने का, सरकार से के ऊपर दबाव डालने का पूरा चल रहा है। आपकी मनसा जग जाहिर हो चुकी है, लोकतंत्र की बात मत करिए, लोकतंत्र के अधिकारों की बात मत करिए, पूरे देश में आप घर में देखिए। अब आप डिले कर रहे हैं, मैं शांतनु जी का जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद में आपका भी जवाब दे देता हूँ। जी हंस रहे हैं सर, मैं लोकतंत्र का जवाब भी दे देता हूँ भाई, शांतनु भाई का मैं जवाब दे लूं पहले, आप लोग करिए। लेकिन आज देखा आपने कि देश में ट्रेन फूंक दी गई, पता नहीं क्या क्या उपद्रव हुए, पथराव हुआ, ये कौन सा प्रदर्शन है? ये अपने देश को जलाकर आप सेना में नौकरी पाना चाहते हैं, ये बताइए ये कौन से लोग हैं, उपद्रवी हैं या सेना में भर्ती होने वाले युवा हैं? ये तय करना पड़ेगा। उपद्रव करके कोई करेगा तो फिर उस पर कानूनी कार्यवाही होगी, कानूनी कार्यवाही होगी तो फिर जो है अगला उसका भविष्य क्या होगा ये भी आप जानते हैं, क्योंकि कानून का काम करेगा। रही बात, अब मैं आता हूं लोकतंत्र की बात का जवाब देने, क्योंकि राहुल गांधी अपनी चोरी को बचाने के लिए जो जाते हैं ईडी के पास, कांग्रेसी पूरे देश में उपद्रव कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अपने नेता को बचाने के लिए कि वो चोर ना कहा जाए, आज पूरे देश में उपद्रव मचा रहे हैं ये लोग। अच्छा शाही साहब, ये राहुल गांधी के सवाल, राहुल गांधी की बात पर ये सपा से तारिक खान है, ये हंस रहे हैं क्यों आपके जवाब को? वो हंसेंगे क्योंकि दोनों है ना, दोनों लड़के एक साथ थे, कभी डिरेल हो रहा है ना बात, ये ना कि बात कहां हो रही है, राहुल गांधी का क्या लेना देना उनका ईडी वाले से इस मामले का, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अरे आगे बढ़िए, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखाया और हम लोगों को भर भर कर वोट दिया तो फिर से हमारी दोबारा सरकार आ गई, आप लोग रह गए हाशिए पर, करते रह गए
ये नारा वो कैसे रह गए, काम खत्म, सत्ता मिला है काम करने के लिए, लेकिन ठीक कर रहे हैं, कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। आप लोगों ने चुनाव के पहले नकारात्मकता फैलाई, अब चुनाव के बाद फैला रहे हैं, वही काम है आप लोगों का, जनता सब समझ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, समय कम है, लेकिन शाही साहब एक चीज जरूर है कि इसको, इस नए नियम को लेकर के आप लोगों को ज्यादा युवाओं को समझाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर इसी तरह से रहा तो युवा आने वाले दिनों में और परेशान और हताश होगा, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं उनकी जो काउंसलिंग है वो और बेहतर तरीके से करनी जरूरी है और उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट से जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म स्कीम जो सेना में भर्तियों के लिए शुरू की गई है, इसको लेकर के काफी नाराजगी जरूर है, कई जो सवाल है वो युवाओं के मन में है, छात्रों के मन में है, इन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से रही है पहले भी, क्योंकि जब से ये स्कीम लागू हुई है करीब 2 दिन हो रहे हैं तब से, और अभी तक काफी कोशिश रही है सरकार की तरफ से कि युवाओं को समझाया जाए, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर इसका नतीजा क्या निकलता है जब ये जमीन पर लागू होती है। तो आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।